तो सर स्पाइडरमैन जो कवर करने वाले वुमेंस T20 का जो कि फाइनल मैच खेला जाएगा, आप देखोगे तो ये ना 9th मैच है और सीरीज़ का एंडिंग भी। अब इसके बाद कोई भी इन सीरीज़ का मैच नहीं खेला जाएगा और आप देखोगे तो ये पूरा सीरीज हमने कवर किया, एक भी मैच मिस नहीं किया और काफ़ी तगड़े विनिंग हम लोगों ने इस सीरीज में विन किए। तो मेरे साइड से तो ये फाइनल मैच है, तो जरूर से इन्वेस्टमेंट कीजिए और अब लास्ट मैच भी अच्छा ही जाना चाहिए क्योंकि पूरा सीरीज हमारे लिए अच्छा गया तो ये भी जाएगा। बट अपने को याद रखना, अपने को इन्वेस्टमेंट नॉर्मली करके चलना, जितना आपने बाकी मैचेस पे किया उतना ही इन्वेस्टमेंट करके चलिए। मैं सोचना कि फाइनल मैच है तो अपना बेस्ट अपना मतलब एक तरफा पूरा पैसा लगा देते, ऐसा नहीं। आप जितना पहले इन्वेस्ट किए थे लास्ट मैच उतना ही इन्वेस्ट करना, समझिए ना। बाकी जो अपडेट्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ, तो टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना क्योंकि देखो फाइनल मैच है, पूरा सीरीज कवर किया तो इस मैच को विन करेंगे ही, पूरा सीरीज हमारे लिए अच्छा गया। तो फाइटिंग मिले टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लेना फाइटिंग के लिए फाइनल अपडेट्स के लिए, सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट। आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करो, सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन करें तो जैसे टीम हम देंगे ना आपको कोई नहीं देगा, इतना याद रखना। फाइनल टीम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही ज्वाइन करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। शायद मैं आज ये वाला मैच भी कवर कर सकता हूँ, मुझे कोई ठीक नहीं क्योंकि मैच मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो शायद इस मैच को मैं कवर करना चाहूँगा, खैर वो तो दूसरी वीडियो में कवर कर दूँगा। फर्स्ट T20 है ना, वनडे तो मैंने शायद इसका एक ही कवर किया था, लेकिन ये सीरीज मुझे कवर करना है पूरा एंडिंग तक। सही मैच है, कोई ख़राब मैच नहीं, ठीक है। लास्ट मैच है तो पूरा सीरीज हमने विन विन भी किया और कवर भी किया, ये मतलब इंटरेस्टिंग मैच था। नामीबिया और जिम्बाब्वे का है जो कि फाइनल भी है, 9th मैच है जिम्बाब्वे जो कि देखो तीन ही टीम्स के बीच में मैच खेल रहा है। तो सबसे पहले मैं जिम्बाब्वे का चेक कर लेता हूँ, उसके बाद नामीबिया के देखेंगे। तो जिम्बाब्वे की टीम से कैलिस नूडल वो ओपनिंग करेगी, टीम से वीसा के साथ ओपनिंग करेगी, मोरिसो मचिंगवा जो कि टीम से विकेट कीपिंग करेगी, चिपारो जो कि अवेलेबल है टीम से, ध्रुव जो कि टीम से कैप्टनसी करेगी, लॉरेन फ्री वगैरह अवेलेबल है, जिसपुनो को मैं अवेलेबल है, तो ठीक ही इनके लाइनअप से अगर देखोगे तो कैलिस नूडल जो कि लास्ट मैच मैंने बोला था आप इनको कैप्टन करके चल सकते, मैंने वीडियो में कितनी बार बोला था ना कि कैलिस नूडल को कमजोर से कैप्टन से ट्राई करके चलेगी टीम से, और ये भी बोला था बिना लाइनअप से कि जिसपुनो को मैं खेली, क्यों क्योंकि ये कि प्लेयर बेंच पर बैठी थी, इनको कोई इंजरी वगैरह थी नहीं, ऐसी बैठी थी। तो ठीक ही इनका बैटिंग ऑर्डर तो इनका टॉप ऑर्डर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे आपको लग रहा होगा वीक सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैलिस नूडल मुझे जबरदस्त प्लेयर है, विजाज का अच्छी फॉर्म ही चली, मोरिस मुझे का नाम ही काफ़ी भी बहुत तगड़ी, सबसे तगड़ी यही है उसके। ट्रिपानो जो कि हर को जानते हैं इन फॉर्म प्लेयर टीम से, ध्रुव जो कि टीम से कुछ भी कर सकती है बट आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, उसके अलावा लॉरेंट फ्री वगैरह टीम से जसपुनो को में, तो ठीक है इनका लेनअप से। बॉलिंग से बात करें तो थोड़ा सा अगर बॉलिंग से खोई तो जसपुनो को सिर्फ दो ही ओवर बॉलिंग की, लेकिन थोड़ी महंगी गई, हालांकि अच्छी प्लेयर टीम से। मुत्सुआ जो टीम से दो ओवर बॉलिंग की, ट्रिपान पता नहीं क्या बदी वे वुमेंस को हो गया, एक तरफा आके मार लेती इन लोग का। चिपारो वगैरह टीम से देखो, चिपो वगैरह की टीम से तीन चार ओवर बॉलिंग की कुछ खास है, कैलिस नूडल चार ओवर बॉलिंग की एक विकेट चटका है, लॉरेन फिली जो कि कभी बॉलिंग कर नहीं रही थी इस सीरीज में लेकिन लास्ट में बॉलिंग कर दिया गया तीन ओवर बॉलिंग के लिए, उसके बाद वीजा जो कि पता नहीं हर मैच अच्छी अच्छी बॉलिंग करे कैसे, लेकिन एक चीज़ मैं देखा हूँ वे के जो प्लेयर्स हैं काफ़ी तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं लिटरली, मतलब कि क्या ही बोले इनके बारे में। उसके अलावा अगर बात करें जिम्बाब्वे का क्लियर हो गया, अब एक बार देख लेते हैं नामीबिया जो कि ये भी एक साथ ही क्योंकि तीन ही टीम से साथ ही मैच हुआ था। तो देखो नामीबिया की टीम बस ये भी एक अच्छी टीम है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं, जैसे लास्ट में यूए के सामने वीक पड़ी थी, हालांकि जिम्बाब्वे फेवरेट होनी चाहिए। सुनी बेटमिन नामीबिया की टीम बस ओपनिंग करी टीम से हर को जाते एक जबरदस्त प्लेयर, लेकिन लोग पिक तक नहीं करते, लेकिन मैं अपनी टीम में जब इनका नाम देखता हूँ तो पिक करता हूँ। इसमिन खान जो कि इनफॉर्म प्लेयर टीम से प्ले तो विकेट कीपिंग के लिए जानी जाती थी बट अब ओपनिंग सिर्फ कर रही, विकेट कीपिंग नहीं करे। उसके अलावा टीम देखो कि बैटली जो कि टीम से पता नहीं इन लोग का क्या है, कभी विल्का ऊपर आती है कभी मैकले ऊपर आती है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दोनों का नाम अगर सेम ही है तो, मतलब ये देखो हर मैच क्या होता है विल्का टीम से वरना बैटिंग कर रही थी बट इस बार देखो तो यहाँ पे मैकले को वरना बैटिंग करने भेज दी, चलो ठीक है उसे कोई दिक्कत नहीं है, लगभग इन्होंने अच्छी बैटिंग मतलब कि लाइनअप में आए, थोड़ा सा नीचे नहीं है मैकली टीम से वरना बैटिंग, बिल का फोन था बैटिंग से, प्रोसेस जो कि टीम से कभी कभी हिटिंग के लिए आ जाती है लेकिन कुछ खास इंपैक्ट नहीं डालती, जूरिन जो कि टीम से एक प्रॉपर बैटर है बट फिर भी सिर्फ बॉलिंग ही से कुछ कर रही है, बैटिंग के लिए आती ही नहीं बिल्कुल, इतना नीचे बैटिंग कौन करता है यार। उसके अलावा टीम से जबकि प्रॉपर बैटर है, उसके एडली वगैरह टीम से एडली भी है, शिप्सो जो टीम से कभी कभी हिटिंग के लिए भी आ जाती है, इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंजेस चलता रहता है। बॉलिंग से बात करें तो नीबो से स्टार्ट करते हैं, सईमा जो कि चारों बॉलिंग है, सईमा जो कि टीम से कुछ खास बॉलिंग नहीं कर रही है, उसके अलावा दो ओवर बॉलिंग की टीम से देखा बॉलिंग लेंगे कि टीम से एन बेल जो कि टीम से अच्छे प्लेयर है लेकिन लास्ट में सिर्फ एक ही ओवर बॉलिंग मिला, विक्टोरिया जो कि मैं लास्ट टाइम प्रिफेक्ट किया था पिक करके चलना विक्टोरिया को, अच्छी बॉलिंग करती लेकिन लोग इनको ट्राई नहीं करते बट विक्टोरिया लिटरली बहुत अच्छी बॉलिंग करती, लास्ट टाइम दो विकेट लेके गई, मैं लास्ट टाइम बोला था विक्टोरिया के बारे में, मैं हमेशा कवर करता था विक्टोरिया को, नो डाउट आपको पता होगा जब भी नाभि के मैचेस का खेलता हूँ, विल का जो टीम से चारों बॉलिंग की एक विकेट,
उसके अलावा जुरिन, जो कि पता नहीं आजकल क्या हो गया, उसे बॉलिंग से ही होप करना पड़ रहा है। मैं कह रही हूँ टीम से तीन हो बॉलिंग की टीम से। चलो ठीक है, तो उन्हें एक अच्छी टीम है, लेकिन जिम्बाब्वे मुझे थोड़ा फेवरेट लग रहा है। बाकी जो अपडेट्स हैं टेलीग्राम पे जो उसे शेयर कर दो, तो टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक 100% काम करता है। तो टेलीग्राम चाहे उसे ज्वाइन कर लेना, एंड बात करते हैं प्ले बाई सेंसेस से। बाकी देखोगे इसके बाद जो बेस्ट मैच मुझे लग रहा है, ये भी सही मैच है, बस सपोर्ट आता है ना तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स, मतलब अच्छी टीम क्रिएट करने में अच्छा लगता है। सपोर्ट बस मुझे चाहिए लोगों का, कुछ नहीं। बाकी विनिंग तो हम लोग करा ही देते फ्री में, वो भी सालों से। देखो हम लोग ना पहले जैसे सपोर्ट चाहते, जैसे पहले हज़ारों लाइक्स आते, तो इसे जो से करना प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर, बिल्कुल पर सेट आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, तो सबसे जूस से करना वीडियो जूस लाइक कर देना, ठीक है। बात कर विकेट कीपर से, बहुत लॉस अगली टीम क्रिएट करें फालतू का टाइम पास वगैरह नहीं, तो बात कर विकेट कीपर से, तो वो सबसे बेस्ट विकेट कीपर है। मुझसे पूछोगे तो मोटे से मुझे कभी एक अच्छे प्लेयर टीम से, क्लोजेस्ट टीम से कुछ खास तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हिटिंग के लिए आ जाती है ध्रुव, जो कि कैप्टनसी कर रही है, बट ध्रुव सचा मोटे से मुझे वैसा जाते जो कि हर को जाते हैं जबरदस्त प्लेयर टीम से। उसके अलावा टीम दर्शक ट्रिपानो, जो कि फॉर्म प्ले टीम दर्शक जिम्बाब्वे की, तो पिक करके चलो यस्मिन खान, जो कि मैं कवर साइन ना करो, सुनी वेटमैन, जो कि कभी कल बॉलिंग कर लेती है बट आजकल बॉलिंग नहीं कर, बट प्लेयर तगड़ी है भाई, तो सुनी वेटमैन के साथ जाना चाहूँगा मैं। उसके अलावा शिपो वगैरह साइड रखते हैं, वीज़ा एक ज़बरदस्त पिक है क्योंकि आजकल फॉर्म में चल रही हो, वीज़ा बॉलिंग भी पूरी ओवर कर रही है, तो वीज़ा एक अच्छी पिक रही है टीम से। पूरा सीजन इन्होंने अच्छी बॉलिंग किया भाई, और बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में। उसके अलावा टीम दस इधर से देखोगे जसपुनो कोमो, वैसे तो बड़ी प्लेयर है लेकिन फॉर्म ख़राब है, लेकिन बड़ी प्लेयर इसलिए कवर करना चाहूँगा। उसके लिए मैं क्लियर, जो कि इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टीम दस से, जुरी जो कि टीम अच्छी बॉलिंग कर रही है। उसके अलावा विल्का है, कैलिस नोडल वो है, कैली ग्रीन खेलते तो एक बात रहता बट कोई नहीं। उसके अलावा टीम दस से एरन वेंजेल, जो कि टीम दस से देता बॉलिंग कर, बट अभी के लिए मैं वेरे को साइड रखता है, चिगारो को साइड रखता है। अगर फाइन टीम में खेलेंगे तो जूसे भी, और फाइन टीम में खेलेंगे क्या, खेलेंगे ये लोग, ठीक ना। जी आर देते हैं बॉलिंग करती है, लास्ट टाइम थोड़ा सा ख़राब था इनका बॉलिंग लेंस, तो शायद आपको ये दो प्लेयर से आपको देखने को मिलेगा, ये दो प्लेयर से अगर खेलेंगे तो कुछ इस तरह की टीम आपको क्रिएट करना, ठीक है। एलमे बेरे चिगारो अगर खेलेंगे तो इस तरह की टीम क्रिएट करना है, ध्यान रखिएगा जो उसे मतलब की करना है अपने को। बट अगर मुझसे पूछोगे जो सबसे बेस्ट पिक रहे, मुझे लगता है शाइमा, जो टीम से एक अच्छी बॉलिंग करती है पावर प्ले में, बट लास्ट टाइम थोड़ा बेकार है, बट अच्छी प्लेयर टीम से शाइमा अच्छी बॉलिंग कर लेती है। या फिर विक्टोरिया के साथ जाओ ना, विक्टोरिया बहुत तगड़ी प्लेयर टीम से, वो हमेशा पिक करता है विक्टोरिया को, हमेशा मतलब विक्टोरिया एक ऐसे प्लेयर जिसको मैं कभी भी मतलब कि इसी सीजन में मैंने कुछ मैच ऐसा ड्रॉप किया होगा, लेकिन विक्टोरिया बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, सबसे मेन बॉलर है। मुझसे पूछो तो चिगारो खेलेगी, पिक करके चलो चिगारो इस मैच के लिए अवेलेबल भी है, और लास्ट टाइम वैसे इसी बेंच पे थी, और दस में बॉलिंग करेगी चिगारो ही, तो इनको पिक करके चल रही टीम दस खेलेगी। और मैं विक्टोरिया के साथ जाऊँ या फिर अपनी टीम है शहीमा के साथ, शहीमा जाओगे तो एक सेफर ऑप्शन की हर मैच एक से दो विकेट चटका रही हर एक मैच पर, तो आप चाहो तो ले सकते हो शहीमा को, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब रिस्की प्लेयर हूँ, तो मैं विक्टोरिया के साथ जाना चाहूँगा। मेरी थोड़ा सा रिस्की टीम है, लेकिन मैं पॉसिबल रहा हूँ बोल रहा हूँ, ये जो मेरी टीम है थोड़ा स्किल पे उस पर मैंने क्रिएट किया हूँ, ये नहीं कि मतलब कि सिलेक्शन देखो टीम क्रिएट है। चिगारो खेले जिस लास्ट में लोग जसपनों को मैं खेलेगी, चिगारो भी खेलेगी, टेंशन फ्री हो गई कवर को नहीं खेलेगी, तो इसके पे किसको पिक करना पता है आप, यहाँ पे कोई भी मतलब कि आप जिम्बाब्वे का प्लेयर पिक कर लेना या फिर शाइमा को पिक कर लेना, समझिए ना, टेंशन ना लो, विक्टोरिया बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, मैं सोचा 18% सिलेक्शन नहीं मेरे भाई, अच्छी बॉलिंग करती है वो पूरे 4 ओवर। विक्टोरिया में हमेशा पिक करता था भाई एक टाइम था, बट सबसे अच्छी बॉलिंग तो शाइमा ने की, 4 ओवर में भी सिर्फ 5 ही रन। अगर आपको लगता है पावर प्ले में विकेट ही नहीं है, तो अब शाइमा के साथ जाइए पावर प्ले में, जैसे स्टार्टिंग में जब आपको लगता है कि नहीं यार स्टार्टिंग पक्का कैलिस नोडल वो वीज़ा वगैरह का विकेट गिरेंगे, तो आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो, बट मुझे लगता है विकेट वगैरह गिरेंगे। कैप्टन से बात करें तो मैं यहाँ से कैप्टन लोग जुरिन के साथ चले, बट मैं वो फिर से बोला जुरिन के साथ जाओगे तो सिर्फ आपको बॉलिंग से होप करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बॉलिंग से अच्छी फॉर्म में चले बैटिंग से नहीं, तो मुझसे पूछोगे तो कैलिस नोडल वो ऐसे मैं कैप्टन जाना प्रेफर करूँगा, तो पूरे 4 ओवर बॉलिंग करेगी और शानदार बॉलिंग कर रही है टीम दस, प्लस ओपनिंग कर रही है, जब से जो उसमें नोकमो का फॉर्म गया है तब से कैलिस नोडल वो अच्छी फॉर्म में चल रही है, ऐसे मैं कैप्टन जाना चाहूँगा। लास्ट टाइम भी प्रेफर किया था, इस बार भी प्रेफर करो। वाइस कैप्टन एक विल्का है और एक है टीम दस से, विल्का के साथ जाओ या फिर जुरिन के साथ जाओ। मैं थोड़ा सा मतलब कि अगर मैं मुझसे पूछो तो वीज़ा भी एक ज़बरदस्त पिक है टीम दस वाइस कैप्टन, क्योंकि बंदी टीम दस ओपनिंग भी कर रही है और पूरे 4 ओवर बॉलिंग कर रही है, तो मैं एज ए कैप्टन कैलिस नोडल और वाइस कैप्टन भी वीज़ा के साथ जा रहा हूँ। आप उसके अलावा विल्का को कर सकते हो, जसमोनो कोमो को कर सकते हो टीम दस, इन सबको भी ट्राई करो। जुरिन भी एक अच्छी रहेगी, बट जुरिन के साथ जाने दिक्कत यह है कि बैटिंग से अच्छी फॉर्म में नहीं है, इसलिए बट क्या कि दो प्लेयर्स को मैं ट्राई कर, दोनों ही बैटिंग बोले दोनों से अच्छी फॉर्म में चल रही है, सेम टीम मतलब बोल दो, मेरी टीम थोड़ा सा रिस्की लगेगी बट टीम परफेक्ट है एकदम से, कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट में क्रिएट करता हूँ, इतना याद रखना। सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम इसमें करने जा सकते हो, सेम टीम के साथ स्मॉल लीग की टीम है जिसके साथ आप कॉन्टेस्ट जाके बुक कर सकते हो स्मॉल लीग की। चलो मिलते हैं टेलीग्राम पे, फाइनल टीम को टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, तो टेलीग्राम चाहिए उसे ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको सबसे पहले शेयर कर दूँगा, तो टेलीग्राम चाहिए उसे ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो चीज़ उसे कमेंट कर देना। देखिए टीम एक नंबर पर से बता रहा हूँ, टीम मतलब एकदम परफेक्ट है।
और टेलीग्राम चाहे जो से ज्वाइन करेगा, अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा टाइमली, कोई दिक्कत नहीं होगा।